आप सभी की आस्था का सम्मान करता हूँ, परंतु धर्मानुसार नवरात्रि में देवी जी के आवाहन के पश्चात विसर्जन ही परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है, इसलिए शास्त्र सम्मत विसर्जन ही उचित होगा। हाँ, आगे से ऐसी मुस्कुराहट हुए देवी की मूर्ति बनाने के लिए शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जय माता दी। दोस्तों, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, मुझे कमेंट कर ये बताएं, क्या देवी जी का विसर्जन करना चाहिए या उनका हमको मंदिर बनवा देना चाहिए। दोस्तों कमेंट करें, हमारे पास बहुत ऑडियंस। तो 9 दिन 9 रातों के बाद आखिरकार माता रानी विसर्जन की ओर हैं। आपको इनकी मुस्कान बहुत ही 9 से 10 दिन देखने को मिली। तो दोस्तों, अब कुछ ही दिन अंतिम बचे हैं, इनकी मुस्कान हमारे साथ है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइए, क्या देवी जी का विसर्जन होना चाहिए या नहीं। यदि होना चाहिए तो आपका क्या ख्याल है, नहीं होना चाहिए तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर कर। बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहेगा। इतने दिनों लगता था कि माता हमारे सामने साक्षात हैं, पर माँ को तो जाना ही पड़ेगा। एक माँ और एक बहन कभी भी अपने घर पर नहीं रह पाती, एक ना एक दिन उन्हें अपने बच्चों और भाइयों के पास तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस विषय में, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय भेजें। क्या माता रानी जहाँ पर हैं स्थापित रहना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, या उनका विसर्जन निश्चित है, ये हमारे पुराण है, ये हमारे रीति रिवाज है, या अन्य कोई कारण है, कमेंट जरूर करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विसर्जन करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि माता केवल 9 दिनों के लिए आती हैं, उनको 9 दिनों के लिए रखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। फिर वैसे भी मूर्ति तो दोबारा भी बन जाएगी, और माता कहीं नहीं जाती, वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, चाहे ये वाली माता जी हों या दूसरे मंदिर वाली माता जी हैं, हमें उनका मंदिर पर मान देना चाहिए और फिर यही मूर्ति दोबारा हम स्थापित कर देना चाहिए। इस बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, क्या ये बात सही है, हमें विसर्जन करना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर। कलाकार तो कुछ कला दिखाते हैं रंगीन माँ की, और माँ द्वारा जो आशीर्वाद कलाकारों को मिलता है वह अद्भुत और चमत्कारी होता है। कला एक विभिन्न भाषा में कहें तो एक कलाकार की ही कला जनता है, लेकिन रंग तो दुनिया में बिक्री का महत्व है। आप जानते हैं कि दुनिया में केवल रंग बिकता है, अब इसकी बात से कोई नकार नहीं सकता। माँ जगदम्बा की ये प्रतिमा जो प्रजापति जी द्वारा बनाई गई है वह अद्भुत और अविस्मरणीय है, जो पूरे वर्ल्ड में जागृत हो रही है। दोस्तों, इस प्रतिमा का क्या विसर्जन करना चाहिए, ऐसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं बनता। तो दोस्तों, 9 दिन 2 रातों के बाद आखिर माता का विसर्जन का टाइम जो है वो आ चुका है। आपको क्या लगता है कि माता जी विसर्जित होनी चाहिए या इनको ऐसे ही स्थापित करके हमें रखना चाहिए, म्यूजियम बनवा देना चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं ये, वो लोग दरअसल दर्शन के लिए आएँ। वीडियो को कमेंट करें और हमें बताएँ कि आपकी राय क्या है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो